अच्छा, तेजस्वी यादव जी के भाग और भक्त में यदि सीएम बनना होगा तो पप्पू यादव कहाँ से रोकेंगे? यादव की है ना तो राजपूत की है ना तो साहबुद्दीन जी कौन यादव है या और लोग कौन यादव है? अब लालू यादव जी तो बड़े दिल के लोग हैं, उस पर आप चर्चा ना करिए। ज्योतिष तो होने की खामियाजा भुगतना पड़े हमको, मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा हमको, नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है, यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा महागठबंधन का, प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। थूक छटा हुआ व्यक्ति जिसको पार्टी को तोड़ दिया, भगा दिया, कुशवाहा जी हों चाहे चिराग जी हों चाहे जी, स्टोरी आई तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है। कश्मीर फाइल आए तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज़ को जोड़ा गया है। फिर आदि पुरुष आया मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं, जो शब्द जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे। तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीज़ों को, हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आज़ादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज़्यादा बात रखता हो बिना जाति धर्म के मजहब के, आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन क्या कारण है? मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपने, चाहे ममता दीदी इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है, लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बरप्पन और दिल दिखाया, क्या हम बिहार में उस बरप्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या दिल नहीं दिखा सकते? जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को हिमाचल मिथिलांचल जिस जहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई और फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य से लेकर देश सदन से सड़क तक, 90 के पहले की राजनीति 83 के मुखिया से लेकर अभी तक, लगातार हमने हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि इस देश के और इस बिहार के आर्थिक उन्नति, इस बिहार का कंप्लीट रूप से जो सबसे बड़ा वर्ग समूह है किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का और युवाओं के, बेरोजगारों का, उसके जीवन का प्रगति उसको बदलना, उसमें कभी भी कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं किया ना आगे हम दुनिया में कभी कोई कंप्रोमाइज ऐसी राजनीति करने के लिए करेंगे। इसीलिए जो मिजाज बिहार का है और जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, कंप्लीट रूप से नफरत का, कंप्लीट रूप से गलत तरीके का, गाली गलौज का, बहुत क्लियर हूँ मैं, अपने पार्टी का विलय पहले भी कह चुका हूँ कि किसी कीमत पे नहीं करूँगा। पार्टी का एग्जिस्टेंस तो हमारी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से है और मैं अपने तरीके से समाज के लिए जीता हूँ, बहुत क्लियर। मैं कोई सिंबल नहीं, कुछ नहीं भैया, कोई सिंबल नहीं। आप आगे बढ़ें।